साथियों नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। साथियों चलो क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हमें चार विकल्प का चयन करना है, वो भी करेक्ट वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 125 के वर्ग का है ना, 125 के वर्ग का 25 गुना किसके बराबर होता है? ठीक है, इन चारों में से किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन हमारे इस प्रकार है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम प्रश्न की भाषा को समझेंगे, है ना, कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं 125 का वर्ग, ये हो गया यहां तक का माने होता है गुना, और ये 25 गुना, तो इसको मैं 25 से गुना कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखते हैं कि 125 को हम क्या लिखें, है ना। ठीक है, 125 को हम क्या लिख देंगे, 5 की घात 3 और पूरे की घात क्या हो जाता है 2 गुणित 25। ठीक है, ऑप्शन देखते भी नजर रहनी चाहिए, है ना। यहां पर 5 गुना 125 का तो वो तो मैच नहीं कर रहा है, 625 का वर्ग है ना वो भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है, तो 125 है का वर्ग हो ज्यादा हो रहा है ना। आगे देखते हैं इन दोनों में से कुछ कोई आंसर होगा, तो 25 के वर्ग दोनों कॉमन लिखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं घातांक के नियम से हम जानते हैं कि ए टू पावर एम एक घात एम हो एन हो तो एक घाते गुना होती है और क्रम विमानीय का पालन करती है, तो ये यहाँ पर एन लिख दूंगा, यहाँ पर एम लिख दूंगा, यही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 की घात 2 और पूरे की घात क्या हो जाना है 3। ठीक है, गुणित 25, अभी 25 का वर्ग बन गया है ना। ठीक है, सॉरी यहाँ क्या बन गया, 25 बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से एक पावर ना और अलग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अंदर 25 बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से एक दो पावर और +1, तो +1 को मैं क्या लिखूंगा, एक पावर अलग करके 5 की घात 1 लिखूंगा। ठीक है, अब वो किससे गुना हो जाएगा हमारा, किससे गुना हो जाएगा 25 से, तो 25 क्या हो जाता है यहाँ से, तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया 25 का वर्ग। ठीक है, और 25 दोनों गुना करेंगे तो क्या जाएगा 25 × 5 = 125। इस तरह 25 का वर्ग का कितना गुना है, 125 गुना, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो रहा है। चलिए हम अलग अलग क्वेश्चन आ गया। यदि 100 व्यक्ति 100 कार्य 100 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, इसके चार विकल्प दिए हैं, है ना, 100 दिन 75 दिन 50 दिन 1 दिन, कितने दिन लगेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें फट से आंसर देने के लिए मन करता है ना कि ये आएगा आंसर, एक व्यक्ति एक काम तो एक दिन में, यहाँ पर 100 व्यक्ति 100 काम 100 दिन में है, तो एक व्यक्ति एक काम एक दिन में, जबकि ऐसे सोचेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए ऐसे सवालों के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये होता है, यहाँ पर बोलता हूँ मैं P1, ठीक है, पहला व्यक्ति, ठीक है, दूसरा होता है B1, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बराबर दूसरा व्यक्ति गुणित यहाँ से दूसरा दिन, दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया काम करने में दिन, और पहले व्यक्ति द्वारा किया गया काम। ठीक है फ्रेंड्स, बस है ना, ये एक लंबी क्या है फार्मूला है, ट्रिक है, यहाँ इतना ही उपयोग हो रहा है तो इतना ही मैं बता दूँ। तो ये हो जाता है, यहाँ से बस वैल्यू रखनी हमें, P1 क्या है, 100 व्यक्ति पहला व्यक्ति है ना, पहले लाइन का सब P1, ये P1 है, ये W1 है, ये D1 है। ठीक है, ये P2 एक व्यक्ति, यहाँ से एक काम को W1 मान, W2 मानेंगे, अब ये कितने दिन है तो D2 मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस वैल्यू डाल देना है, आंसर आ जाना है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा P1 है 100 व्यक्ति, ठीक है, दिन कितने लगाता है 100 दिन लगाता है ना, और W2 क्या है हमारा, दूसरे व्यक्ति द्वारा है ना, दूसरी लाइन में है एक व्यक्ति, जो अगला लाइन का है वो उसको 2 मानते हैं, W2 बनते हैं, P2 मानते हैं, D2 मानते हैं। ठीक, तो यहाँ से W2 कितना है, कितने है ना W2, ठीक है, जो W2 क्या है, एक काम, वर्क है ना, W से वर्क होता है, तो एक काम एक रखेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, तो P2 क्या है यहाँ पर, एक व्यक्ति है ना, एक है, D2 क्या है यहाँ पर, वही तो याद करना है, कितने दिन, तो इसको मैं एक से बोल दूँ, चलिए एक से बोल दिया, और W1 क्या है हमारा, पहले व्यक्ति द्वारा कार्य है ना, वो है हमारा 100, बस हल कर दिया आंसर है ना। तो ये हो गया 100 × 100 = 100 हो गया, यहाँ से x = x, अब ये 100 है, इस पर आके कहा जाएगा भाग हो जाना है। ठीक है फ्रेंड, तो 100 पाड़ा में एक बार में कटा, तो अतः हमें क्या चाहिए, उस एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेगा, 100 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, है ना, इसी पैटर्न पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही यहाँ से 37 सही है ना, 1/2 में कितने 1/8 शामिल हैं, 300, 400, 500, अनिश्चित। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न की भाषा को समझना है
कितने ये शामिल है, मैं उदाहरण बता दूं आपको, जैसे 10 में कितने 5 है, ठीक है, इस 10 में कितने 5 है ना, तो इसको तोड़ देते हैं दो भागों में, 5 5 तो कितने 5 हो गए हमारे, 2 2 आया। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा पूछे कितने ये हैं वो है ना, तो हमें जितना भी दिया है उसमें से उतना भाग कर देना है, ठीक है, आया तो ना। इसी पैटर्न पर चलो ये भी क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं। तो इसे मैं लिख दूंगा 37 सही 1/2 है ना, और भागे 1/8, ठीक है फ्रेंड, भाग बस देते हैं। तो इनको मैं पूर्ण कर लूं तो 37 दूनी हो गए हमारा 74, ठीक है, 74 एक हो गए हमारा 75 बटे हो जाएगा 2, और ये भाग हो गए हमारा, गुणा कर दें इसको 8/1 है ना, ये क्या है आंसर बन जाता है। चलिए भाग देते हैं 2 के पारा में, एक बार में 4 बार में, तो 75 चौक कितना आ गया देख लेते हैं, वही आंसर बनेगा है ना। तो 75 दो 150, 150 150 कितना हो जाएगा हमारा 300, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए फर्स्ट वाला, ओके। चलिए बढ़ते हैं, हमारा है सुनीत को अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं, है ना, अकबर से 10 नंबर अधिक मिलता है इसको, अकबर सुनीत से कितने प्रतिशत का अंक प्राप्त करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले थोड़ा बेसिक से बना लेते हैं, ठीक है। तो अकबर से 10% अधिक नंबर मिलता है किसको, सुनीत को। तो हम कह दें कि अकबर को मिलता है मान लो कितना, 100% नंबर या 100 अंक मिलता है, अकबर को कितना अंक मिल रहा है, अकबर का अंक हो गया हमारा 100 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, ये 100 नंबर हो गया। तो सुनीत से, प्रश्न की भाषा से हम क्या समझे, सुनीत का अंक कितना हो जाएगा अकबर से 10 अधिक, ठीक है, तो 10 अधिक मतलब कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाना है, ठीक है। अगला जब पढ़ते हैं तो अकबर सुनीत से कितने नंबर, कितने प्रतिशत अंक कम अंक प्राप्त करता है ना, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों के प्राप्तांक का अंतर है 110 300, ठीक है, बटे कितना है हमारा 11, 110 सुनीत से बोला ना, सुनीत का कितना है ये, तो जो कम रहेगा ऊपर रहेगा, अधिक रहेगा नीचे रहता है, ये तो नियम है हमारा, ठीक है। अब बस इनको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट बनाना है इसको, और ये 100 से भाग कर दिए, ठीक है। इस तरह हमारा सवाल बस हल हो गया, ये हो गया हमारा 100, 110 में 10 कम करेंगे तो 100 कम करेंगे 10 आएगा, बटे 110 हो जाना है यहाँ से 100, ठीक है फ्रेंड्स, 0 0 काट देते हैं, ये हो गया है ना। अब ये जो परसेंट का ये है क्या देता है हमें, परसेंट का साइन देता है, 1/100 क्या देता है हमें, परसेंट का साइन देता है, ठीक है। इस तरह इनको हल करेंगे, 100 एकम 100, और 100 को हम 11 से भाग करेंगे तो जो भी आंसर आया है ना, तो आंसर कितना आएगा हमारा देख लेते हैं, 11 2 99 है ना, 99 और 100 बटे 11, तो इतना आएगा, ठीक है, इतना प्रतिशत कम अंक हासिल करता है, ठीक है, अकबर जो है। तो ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं इसे ट्रिक से बस है ना, ट्रिक से बताता हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें पहले भाषा को बस समझना है, मैं जो प्रश्न ट्रिक बताऊंगा उसमें भाषा को एक बार समझ के उसके बाद ऐसे पैटर्न के बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर है सुनीत को अकबर से 10% अधिक, अधिक को समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो जितना दिया है उतना तो आप लिखेंगे, ठीक है, बट एक नीचे क्या करेंगे, अधिक दिया है तो बस क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, है ना, 100 में, सॉरी हाँ, 100 में जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 10, 100 में क्या जोड़ देंगे, 10, है ना, उसके बाद 100 से गुना और 100 से भाग, 100 से भाग कर देंगे, ये हो गया हमारा, बस इतना ही करना है। तो ये हो जाएगा 10/110 गुणित 100, और ये हो जाएगा परसेंट का साइन, 1 0 कटा, 11 से भाग देंगे, 11 2 99 है ना, हासिल एक, तो 100 हो गए बटे 11, ये हो गया हमारा आंसर। तो बस भाषा को समझिए, अधिक कहा है तो यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, अगर यहीं पर कम बोल देना तो यहाँ पर माइनस को लगाते, ठीक है फ्रेंड्स, है ना, तो 90 हो जाता एक, है ना, फिर 100/9, फिर 9 11 में यहाँ पर आता, 9 11 ऐसा करके बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे धन कब लेंगे, ऋण कब लेंगे, अधिक कहा है तो धन लेंगे पहला स्टेटमेंट में, कम बोलेगा तो यहाँ पर ऋण लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रथम 4 ऋण संख्याओं का योग होता है ना, यहाँ पर ऋण दिया है, ठीक है, इसका अर्थ हमें पता रहना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, ऋण का मतलब मैं बता दूं आपको क्या होता है, अभाज्य, है ना, ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण संख्या या किसे कहते हैं, इसी को ही अभाज्य नाम दिया गया है। तो ऋण संख्या वो भी प्रथम 4 बोल रहा है, ठीक है, तो प्रथम 4 ऋण संख्या कहाँ से चालू होती है, प्रथम 2 से, याद रखिएगा 2 से, है ना, फिर होता है हमारा 3, ठीक है, फिर होता है 5 और होता है 7। तो प्रश्न आसान हो गया, बस भाषा को समझे, जोड़ दे सबको, तो 2 धन 3 धन 5 धन 7, है ना, 7 5 12 3
15 दो 17, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आया, 17, है ना। ठीक है, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं रूट को, प्राइम, है ना। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। ये सब एक ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हमारा, गुणनफल जितना दिया है ना, इससे गुणा करेंगे और गुणनफल का रूट कुल रूढ़, ठीक है, गुणनखंड है, कितने गुणनखंड बन रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें रूढ़ की भाषा, रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य संख्या, है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे, ठीक है। 8 पूरे की घात है 20, है ना, गुना 15 पूरे की घात हो गया हमारा 24, और ये हो गया 7 की घात हो गया 15। तो ये जो गुणन जो कोष्टक के अंदर है उसको हम क्या तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 को 2 को बढ़ा 2 से भाग करेंगे जाएंगे, है ना, 2 दूनी 4 आ गया, 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 एकम 2, ठीक है। तो इस तरह तोड़ ली इसको, ये हो गया पूरे घात 20। 15 को तोड़ेंगे तो 3 से, हाँ, 3 पंचे 15, ठीक है। ये हो गया पूरे घात 24, और ये हो गया 1 7 7, है ना, तो 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। 1 को क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य, है ना, सब में 1 तो है ही, ठीक है, इसे शामिल नहीं करना है। तो इस तरह हमारे यहां से 2 कितने बार आ गया, 20 बार, है ना। हम नियम जानते हैं ना, घातांक का नियम a^n है ना, और पूरे ऐसे बोल दो घातांक का नियम, अगर a×b पूरे की घात m है, तो ये जो m घात इनके लिए भी है, तो क्या हो जाता है, a की घात m बार गुणित b की घात m, ठीक है। जितनी भी अंदर के हो ऐसी सब घात सबके लिए लागू होता है, तो ये सबके लागू हो जाएगा। तो चलो लिख देता हूं मैं, 2 की घात 20 गुणित 2 की घात 20 गुणित 2 की घात 20, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 की घात 24 गुणित 5 की घात 24 गुणित 7 की घात 15, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है, कुल रूढ़ गुणनखंड, कुल रूढ़ 2 कितनी बार आया है, 20 बार आया है। इसमें कितनी बार आया है, इसमें भी 20 बार आया है, योग करना है, कुल बोला है ना, इसमें भी 20 बार आया है, 3 आया है 24 बार आया है, ठीक है, और 5 आया है 24 बार आया है, और 7 जो आई है 15 बार आई है। चले जोड़ देते हैं सबको, तो 8 4 4 8 5 13 का 3 हो गया, 1 आया है ना, 2 हो गए, 4 6 8 10 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह कितने हैं हमारे रूढ़, ठीक है, कुल रूढ़ गुणनखंड कितने हो गए, 100।